बच्चों से बात करते हैं पढ़ना। आज का चैप्टर है अनुपात समानुपात। ये वीडियो पेड वीडियो है, आप लोग वीडियो को आराम से देखिए, मैं सारे क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला सवाल जो आपको बोला गया है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन देखिएगा। ए अनुपात बी बराबर 3:4, फिर बोला है बी अनुपात सी बराबर 8:9, ए सी का मान क्या है, पूछा है ए अनुपात सी का मान। ठीक है, तो पहले बेसिक फिर आसान। देखिए पहला इसने पूछा है ए अनुपात सी का मान क्या है। आप जब भी ऐसा बोला जाए ना, फर्स्ट एंड लास्ट पूछे, क्या पूछे, फर्स्ट एंड लास्ट। अब इसको बटे में लिख दो, ए बटे बी, बी बटे सी, 3:4, 8:9, 4 से काटा 2, 3 से काटा, आपके क्वेश्चन का आंसर 2:3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप अगर चाहो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल भी सकते हो। तो ये 3:4, ये 8:9, दोनों में आपने देखा यहाँ 2 का गुणा कराया तो कितना मिल गया, ये मिला 6, ये मिला 8, ये मिला 9। 6:9 का रेशियो लिया, 3 से काटा, 6:9 का रेशियो 3 से काटा 2, 3 से काटा, तो आंसर 2:3। आप ए बी सी का मान निकाल के भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एक्सरसाइज का पहला सवाल था ये। अब चलते हैं एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन ये है ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी, ए अनुपात बी बराबर 3:2, फिर लिखा है बी अनुपात सी बराबर 3:4, पूछा है ए अनुपात सी का मान। तो ए अनुपात सी सेम वही पहले वाला क्वेश्चन है, कैसे करना है, आप केवल ये सीखिए कैसे करना है। हमने कहा ना फर्स्ट एंड लास्ट पूछे तो बटे में लिख दूँ, 3:2 बटे 3:4, कुछ नहीं कट रहा है, क्वेश्चन का आंसर 9:8। आपके क्वेश्चन का आंसर है 9:8। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है W1:W2 बराबर 2:3। आगे लिखा है W1:W3 बराबर 1:2, तो पूछा है W2:W3 का मान क्या है, ये पूछा गया है। चलिए कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिएगा। W1:W2 रेशियो था 2:3, आगे लिखा है W1 और W3, तो W1 जो लिखिए ये है 1, और ये जो 3 है ये आपको लिखा है 2, ये है W3। जो दोनों में कॉमन है, जो भी दोनों में कॉमन है उसको एक के नीचे एक लिखिए। जैसे दोनों में कॉमन यहाँ W1 था, तो आपने क्या किया, W1 दोनों में कॉमन, यहाँ 2 और यहाँ 1। अब यहाँ देखिए जो दोनों में कॉमन है उसका मान हमेशा बराबर होता है। नीचे 2 का गुणा करा लीजिए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ W2 का मान क्या है, 3, W3 का मान क्या है, 4। आपके क्वेश्चन का आंसर 3:4। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए बी बराबर 64 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन आपको दिए हैं, मैं आपके सामने ऑप्शन बी लिख दे रहा हूं। ए अनुपात 16 बराबर बी अनुपात 4, अगला दिया है ए अनुपात 8 बराबर बी अनुपात 8, फिर लिखा है 32:A बराबर B:2। यहाँ बोला है ए बी बराबर 64, क्या बोला है, ए बी बराबर 64। करना कुछ नहीं है, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा जिससे मिल जाए वही आंसर। देखना ये 64 नहीं मिला, ये भी 64 नहीं मिला, ये भी 64 नहीं मिला, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा ए बी बराबर 64। कुछ नहीं है, सवाल बहुत आसान था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला गया है ए अनुपात बी बराबर
3:4, b/c = 4:7। पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या है, कि क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पहले सबसे पहले ये करना होता है, जो दोनों में कॉमन है उसका मान बराबर होना चाहिए। इसे याद रखिएगा, जो दोनों में कॉमन है उसका मान बराबर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे b का मान दोनों में बराबर था, यहाँ भी 4 दिया और यहाँ भी 4 दिया है, तो बस सीधे हो गया। a का मान ये है, b का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है, a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7 बटे 7, तो 7 × 3 = 10 = 14/7। क्वेश्चन का आंसर 2। उम्मीद है समझ में आ गया। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, यदि ए का 60% मतलब ए का 3/5 बराबर बी का 3/4 है, तो बताइए ए अनुपात बी का मान क्या है। पूछा है ए अनुपात बी का मान कैसे आसान करना है, सीखिए। सवाल बहुत आसान, ए का मान निकालना है इसको उल्टा कर लो, बी का मान निकालना है इसको भी उल्टा कर लो, रेशियो ले लो। तो आपने देखा 3 से 3 कटा, आंसर 5:4, खत्म हो गया। कुछ लोग क्या करेंगे, बराबर के मान के करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन आपको ये तो मालूम है ना, जैसे लिखा है 3a = 4b, अब a अनुपात b का मान क्या होता है, 4 और 3 उल्टा होता है, या इसको 1/3 1/4 लिख लो, 1/3 और 1/4 लिखो, LCM लो तो भी तो यही आएगा ना। वैसे ही हमने क्या किया, a का मान उल्टा कर लिया, गुणा में था उल्टा कर लिया, b का मान भी उल्टा कर लिया, 3 से 3 कट गया। क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिएगा, कह रहा है a = b/4/5, ये है 4 बटे दिया है 5। आगे बोला है a = b/4/5 और b = c/5/2, 5/2। तो पूछा है a/c का मान क्या है, क्वेश्चन पूछा है a/c का मान। चलिए कैसे करना है देखिए, कैसे क्वेश्चन को करना है समझिएगा। आप यहाँ 5 लिख लो तो इससे जो a और b का रेशियो है वो मिल जाएगा 4 और 5। आप यहाँ पे 2 लिख लो तो जो b और c का रेशियो है, b और c का रेशियो वो मिल जाएगा 5 और 2। ये तो मालूम है ना, जैसे यहाँ लिखते हो आप a अनुपात b, तो एक जो बराबर क्वेश्चन अगर कुछ मान भी लेते हो तो क्या आ जाएगा, 1/5 1/4 रेशियो लोगे 4:5, ये आ गया 5 और 2। दोनों में b कॉमन हो गया ना, जब b कॉमन हो गया b का काम खत्म। उसने बोला a और c, ये है 4 ये है 2, आंसर 2:1। आपके क्वेश्चन का आंसर 2:1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ठीक सवाल था, आसान था, आप सबको आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। x अनुपात y = 12:5। आगे लिखा है z अनुपात y = 21:16। x/z का मान क्या है, इसमें याद रखिए जो दोनों में कॉमन है उसका मान बराबर करिए, बाकी कुछ नहीं। सवाल बहुत आसान है, जैसे आप लिखा यहाँ y का मान 5 है और यहाँ y का मान 16 है, दोनों को बराबर कर लो, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे गुणा जो हो जाएगा 16 का हो जाएगा, और यहाँ जो गुणा हो जाएगा 5 का हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 16 का गुणा होगा तो 16 × 12 जो होगा 192 होगा, और जब z में गुणा होगा तो 21 × 5 105 होगा। जिससे कट रहा है उसको काट लीजिए, ठीक है। और बात करते हैं, देखो क्या 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से काटा 3 × 18 3 × 12, 3 से काटा 3 × 9 3 + 15, और नहीं कट रहा है तो बस यही क्वेश्चन का आंसर है। समझदार बनिए, अनुपात समानुपात बहुत आसान चैप्टर होता है, लेकिन सॉल्व नहीं करना, समझदार बनना है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को आराम से देखिए, बहुत आसान सवाल। 2a = 3b लिखा गया है, 2a = 3b। आगे लिखा है 4b = 5c, a/c का मान। आसान सा क्वेश्चन, कैसे लिखना केवल ये सीखिए, सवाल बहुत आसान। आप लिखना चाहो तो a/b को आप लिख सकते हो 3 और 2, b और c को लिख सकते हो 5 और 4, ऐसा आप लिख सकते हो। आप देखो a/c का मान बोला है ना, फर्स्ट एंड लास्ट बोला, तो कुछ करना भी नहीं है।
फर्स्ट एंड लास्ट बोला तो ए बटे बी, और ये लिखा बी बटे सी, ये कट जाएगा, ए सी बच जाएगा। तो ये ए का मान क्या है? तीन। इस बी का मान क्या है? दो। यहाँ इसका मान क्या है? पाँच। ये क्या है? चार। ठीक है, तो कितना हो गया? कुछ कट तो रहा नहीं है, तो नीचे हो गया 15, ऊपर हो गया 8। आपके क्वेश्चन का आंसर 15:8, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ए अनुपात बी बराबर 7:9, ए रेशियो बी बराबर 7:9। आगे लिखा है बी रेशियो सी बराबर 1:5, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है? पूछा है ए बी सी का मान क्या है। देखिए ए बी का मान 7 और 9 है, बी सी का मान 1 और 5 है, ए बी सी का मान पूछा है ये 1 है, नीचे 9 का गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 45। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 7, 9 और 45। उम्मीद है सभी को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन बोला गया है ए अनुपात बी बराबर 5:7, फिर बोला है बी अनुपात सी बराबर 6:11, बोला है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है? कैसे करना है देखिए, देखिए यहाँ ए और बी का मान दिया है 5 और 7, बी और सी का मान दिया है 6 और 11, कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है। ये हो गया 30, ये हो गया 42, ये हो गया 77, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1/x = 1/y = 1/z बराबर 2:3:5, पूछा है x/y/z का मान क्या है? देखिए इसके बहुत सारे मेथड बनेंगे, कैसे आसान कर सकते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, फिर बोला गया है 1/x, 1/y, 1/z का रेशियो दिया है, का रेशियो हमें दिया है एक्स वाई जेड का मान, मतलब उल्टा पूछा है, जो भी दिया है इसका उल्टा पूछा है। तो उल्टा करने का मतलब आप इसको लिख दो 1/2, 1/3 और 1/5, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 2 का भाग 15, 3 का भाग 10, 5 का भाग 6, आपके क्वेश्चन का आंसर 15:10:6, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सवाल बहुत आसान है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोला गया है 2a = 3b = 4c, यहां बोला गया है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है? कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, देखिए इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं, कैसे आसान करना है देखिए। एक ऐसा नंबर मानिए जो कट जाए 2, 3, 4 से कट जाए, 12, 2 का भाग दिया 6, 3 का भाग दिया 4, 4 का भाग दिया 3, आपके क्वेश्चन का आंसर 6, 4 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन 14 तो आपको दिया गया है, क्वेश्चन देखिए समझिएगा, बोला है a/3 = b/4 = c/5, पूछा गया है a/b/c का मान क्या है? देखिए यहाँ पर इसका यही आंसर है, यहाँ a/3 दिया है, a का मान 3, b का मान 4, c का मान 5, a b c का मान 3, 4, 5, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए समझिए, क्वेश्चन बोला गया है a/b/3, आगे बोला है b/c/2 है, तो ए बी सी का मान क्या है? आप इसको अगर यहाँ से हटाओ तो यहाँ पे लिख सकते हो a अनुपात b की अगर तुम बात करते हो तो a और b का जो रेशियो होगा 1:3 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको हटाओ यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आप b और c की बात करते हो तो ये भी आपका जो होगा 1:2 हो जाएगा। यहाँ बोला गया है a b c का मान ये 1:3 है, ये 1:2 है, तो आपका आंसर जो हो गया 1:3:6, आपके क्वेश्चन का आंसर 1:3:6। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए समझिए। बोला गया a का 30%, यहाँ बोला है a का 30% बराबर बोला है b का 0.25, बराबर बोला है c का 1/5 है, a/b/c का मान कैसे आसान करना है आप ये सीखिए। यहाँ a का मतलब गुणा होता है और 30% मतलब 3/10 हुआ, बराबर b जो हुआ ये 1/4 हुआ, c का मान 1/5 है, हमें a b c का मान चाहिए, तो हमने इसको लिखा उल्टा लिखा 10/3, इसको लिखा 4/1, इसको लिखा 5/1, इसका एलसीएम हो गया 3, ये हो गया 10, 1 का भाग दिया 3, तो 4 3 12
15, 1 का भाग दिया 3, तो 5 से ही 15, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 10:12:15, आपके क्वेश्चन का आंसर 10:12:15। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है a बटे 3 बराबर b/4 बराबर c/7 a+b+c/2 का मान क्या है, यह आपसे पूछा गया है। a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7, तो 3+4+7 और बटे जो पूछा गया है, बटे भी जितना दिया है c दिया है, तो c का मान यहाँ क्या है, 7 है, 7 × 7 = 14 हुआ, बटे 7 हुआ, आपके क्वेश्चन का आंसर दो। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 17 भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन आपको बोला गया है a/b/c बराबर 2:3:4, पूछा गया है a/b (b/c)/c/a का मान क्या है, तो यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान 3 है, यहाँ b का मान 3 है, c का मान 4 है, c का मान 4 है और a का मान 2 है, आपको इसका रेशियो लेना है। आपने क्या किया, एक ऐसा नंबर माना जो इससे कट जाए, 12, 3 का भाग दिया 4, तो 4 × 8 हुआ, 4 का भाग दिया 3, तो 3 × 9 हुआ, 2 का भाग दिया 6, तो 6 × 24 हुआ, आपके क्वेश्चन का आंसर 8:9:24, या आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 8:9:24, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन कैसे करना है, आप वीडियो को रोक करके आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, थोड़ी स्पीड ज़्यादा इसलिए है, 151 क्वेश्चन दिए गए हैं सारे कराने। अगला क्वेश्चन बोला है a/b (3:4), आगे बोला है b/c (5:7), अगला बोला है c/d (8:9), a/d का मान मैंने आपको पहले सिखाया, कभी अगर पहला और आखिरी भूले तो केवल लिखना सीखिए, कैसे लिखना है देखिए, आपने क्या लिखा a/b, फिर लिखा (b/c), फिर लिखा (c/d), कट गया, ad का मान बचा, ये 3/4 है, ये 5/7 है, ये 8/9 है, 4 से काटा 2 हुआ, 3 से काटा 3 हुआ, तो आंसर जो हुआ 10:21, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 10:21। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन को आराम से समझिए, सवाल सारे बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोला गया है a/b (3:4), आगे लिखा हुआ है b/c (5:7), आगे आपको बोला है c/d (8:9), सॉरी ये जो ए बी जो आपको दिया है वो 2 और 3 दिया है, बी सी जो आपको दिया है वो 9:7 दिया है, सी और डी आपको दिया है 14:15 दिया है, इसमें पूछा गया है a/b/c/d का मान क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में दिया होगा, ये क्वेश्चन सबसे आसान तो ऑप्शन से होता है, कैसे ऑप्शन से करना है मैं आपको ये भी सिखाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में ऑप्शन से करेंगे। आपके सामने चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सवाल बहुत आसान है, कैसे करना है आप केवल ये देखिए क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन, जितने बहुत ब्लेंडिंग रेशियो निकालना हो वो सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे ए बी का मान 2-3 है, पहला काम है बाद में ज्यादा है, पहला काम है बाद में ज्यादा है, इसलिए ये गलत हुआ और ये गलत हुआ, आप 2 बचे। यहाँ पे देखिए सी का मान कितना है, 14, सी का मान जो भी होगा वो 14 से कट रहा होगा, यहाँ 18 है, सी का मान 14 का मल्टीपल नहीं है, ये आंसर हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर 12:15:14:15, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, करने की जरूरत कभी नहीं होती। देखिए यहाँ लिखा है a/b, ये लिखा है 2/3, b/c, 9/7, आपने ऊपर 3 का गुणा करा दिया जिससे ये मिला 6, ये मिला 9 और ये मिला 7, यहाँ c का मान दिया है 14 और इसका मान दिया है 15, इन दोनों में ऊपर 2 का गुणा करा दिया तो ये हो गया 12:18:14:15 और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को भी हम बहुत आसान कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को बिना पेन चलाए केवल ऑप्शन से देख के भी कर सकते हो, ऑप्शन से देख के भी कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन को दोनों मेथड से सिखा रहा हूं कैसे सॉल्व करना होगा और कैसे एग्जाम में आप कर सकते हो। क्वेश्चन है a/b (2:3), आगे बोला है b/c (9:7), आगे आपको बोला है c/d (14:15), यहां बोला गया है, सॉरी
यहाँ बोला है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी जो बोला है एक बटे दो और तीन बटे आठ है। फिर आगे बोला है बी अनुपात सी, यह आपको बोला गया है एक बटे तीन और पाँच बटे नौ है। ये बोला है सी अनुपात डी पाँच बटे छः और तीन बटे चार है। यहाँ पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या है। देखिए इसके ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिए हैं चार अनुपात छः अनुपात आठ अनुपात दस, अगला है आठ अनुपात छः अनुपात दस अनुपात नौ, अगला है छः अनुपात आठ अनुपात नौ अनुपात दस, अगला है छः अनुपात चार अनुपात आठ अनुपात दस। चलिए कैसे क्वेश्चन को करना है ध्यान दीजिए, कैसे आसान करना है आप ये सीखिए। देखिए पहले आप क्वेश्चन को अगर ऑप्शन देखना चाहें, आपने इसे दो से काटा चार मिला, ए और बी का अनुपात चार और तीन है, ए और बी का अनुपात यहाँ पे चार तीन नहीं है, यहाँ भी चार तीन नहीं है, यहाँ भी चार तीन नहीं है, यहाँ लेकिन दो से काटा तो ये चार तीन है, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ और आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं करने होते, जितने भी क्वेश्चन बहुत लेंथी रेशियो निकालना हो ना वो सारे बहुत आसान होते हैं। चलिए कैसे करना है, ए अनुपात बी चार और तीन, बी अनुपात सी इससे इसको काटा तो ये मिलेगा आपको तीन और पाँच, सी अनुपात डी ये हो गया तीन ये हो गया दो, तो दस और नौ हुआ सी और डी। आपने यहाँ ध्यान से देखिए दोनों में बी बराबर था, ए बी सी का मान चार तीन पाँच हुआ। अब इसके बाद दोनों में सी बराबर है, ये दस है ये पाँच है, दो का गुणा कराएंगे तो बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आठ, ये छः ये दस और ये नौ, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, आठ अनुपात छः अनुपात दस अनुपात नौ, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम ऐसे ही है, कैसे करना है क्वेश्चन देखिए, सवाल बहुत आसान है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है सवाल देखिएगा। क्वेश्चन बोला है ए अनुपात बी बराबर दो बटे नौ रेशियो एक बटे तीन, अगला बोला है बी अनुपात सी बराबर दो बटे सात और पाँच बटे चौदह, अगला बोला है डी अनुपात सी, ध्यान से पढ़िएगा इसे, यहाँ सी डी नहीं डी सी लिखा है, ये आपको बोला है पाँच बटे छः रेशियो तीन बटे चार, पाँच सॉरी ये आपको दिया है सात बटे दस और रेशियो तीन बटे पाँच। पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या है। ऑप्शन जो इसके दिए गए हैं चार अनुपात सात अनुपात चार अनुपात छः अनुपात सात अनुपात नौ, अगला ऑप्शन है आठ अनुपात बारह अनुपात पंद्रह अनुपात सात, अगला ऑप्शन है सोलह अनुपात चौबीस अनुपात सोलह रेशियो चौबीस रेशियो तीस रेशियो पैंतीस, अगला जो आपको ऑप्शन दिया है तीस रेशियो पैंतीस रेशियो चौबीस रेशियो सोलह, ऐसे आपको इसके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हो अब ये सीखो, देखना आप कोई भी मान निकाल लो, आपने इसको इससे काटा दो तो ये हुआ चार और पाँच, बी और सी का रेशियो चार और पाँच। देखिए आपने देखा यहाँ पे चार और पाँच हो नहीं सकता, और आपने देखा ये चार और पाँच हो नहीं सकता, दो बचे, ये दोनों में देखा आपने छः से काटा चार छः से काटा हो सकता है, तीन से काटा चार तीन से काटा हो सकता है, एक और चेक कर लीजिए, आपने इससे इसको काटा तो दो मिला तो ये सात और छः मिला, मतलब जो डी का मान है सात का गुलज होगा, डी का मान सात का गुलज होगा, और जो सी का मान है छः का गुलज होगा, सी का मान छः का गुलज, तो ये गलत हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर छः सोलह अनुपात चौबीस अनुपात तीस अनुपात पैंतीस। अगर आपने क्वेश्चन को इससे देखना स्टार्ट किया ना, ऐसे जितने भी क्वेश्चन जो बहुत लेंथी होंगे वो आपके बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए आपने इससे इसको काटा तो ए बी का रेशियो हमें दो और तीन मिला, यहाँ पे आपने इसको काटा तो बी सी का रेशियो हमें चार और पाँच मिला, जब आपने इसको सॉल्व किया तो हमें सी डी का रेशियो छः और सात मिला। चलिए करना कैसे होगा ध्यान दीजिए, कभी भी गुणा मत कराइएगा, जो दोनों में बराबर उसको पहले बराबर कर लीजिए, ऊपर चार का गुणा नीचे तीन का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आठ, ये आपका हो जाएगा बारह, और नीचे जो गुणा था चार का था तो ये आपका हो जाएगा चार का, देखिए नीचे जो रेशियो आपको दिया गया था सॉरी ये आपको बोला था चार और पाँच, नीचे चार था मतलब गुणा तीन का हुआ था, जब गुणा तीन का हुआ था तो यहाँ पर जो सी का मान हमें दिया गया था, सी का मान पहले पाँच बोला था तो ये पंद्रह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, इनको बराबर किया तो ऊपर दो का गुणा और नीचे किसका गुणा पाँच का, जिससे ये बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया सोलह, ये हो गया चौबीस, ये हो गया तीस और ये हो गया पैंतीस। आपके क्वेश्चन का आंसर केवल रेशियो आप लिखना सीखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, चार अनुपात सात अनुपात ग्यारह, आगे बोला है बी अनुपात सी अनुपात डी, बढ़िया आपको दिया है 21 अनुपात 33 अनुपात 44, ठीक है। यहाँ पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, जैसा मैंने आपको सिखाया वैसे सीखिए, इससे आसान कोई मेथड नहीं है, ठीक है। देखिए यह आपको दिया गया है चार अनुपात सात अनुपात ग्यारह, यह आपको दिया है 21:33:44। आपने देखा इन दोनों में बी और सी कॉमन है, ऊपर तीन का गुणा कराने पर दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ये हो गया 12, ये हो गया 21, ये हो गया 33, ये हो गया 44, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 24 में ए अनुपात बी समानुपात या बराबर बी अनुपात सी, बराबर बी अनुपात सी, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा बी स्क्वायर बराबर ए सी, आपको आंसर दिख गया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर है बी स्क्वायर बराबर ए सी। चलिए अब उसने पूछा क्या है, यहाँ पूछा है ए की पावर चार और बी की पावर चार का मान, अब ये देखिए बी स्क्वायर का मान ए सी है, तो यहाँ पे लिखा ए की पावर चार बी की पावर चार लिखा है, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो गया, इससे इसको काटा तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखिए, सवाल बोला गया है ए का 15% बी का 20% बराबर है, तो यहाँ बोला है ए का 15% बराबर बी का 20% है, ऐसा आपसे बोला गया है, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से काटा 3, 5 से काटा 4, ए और बी का रेशियो 4 और 3, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 4:3। आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 नंबर तक लगा लिए हैं, 1 से 25 तक मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें जितने भी सवाल हैं सारे अनुपात निकालने वाले ही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आपको करना क्या है, ये 25 सवाल तो मैंने बता दिए, 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक आप लगाओगे, ठीक है। और जो भी सवाल अगर आपको नहीं आता है, कल मैं फिर आपके बीच लाइव आऊँगा, लाइव आके इसकी प्रॉब्लम बता दूंगा, कल जो आपको वीडियो मिलेगा वो 50 के बाद का मिलेगा, ठीक है। तो 25 से 50 तक जो भी सवाल नहीं आते हैं कल लाइव आके आप लोग पूछ लेंगे क्वेश्चन, फिर आगे आपको 50 से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, 50 तक सारे सवाल वही हैं अनुपात निकालने वाले, लगाइए, नहीं आते हैं तो कमेंट कर दीजिए, थैंक यू।